आज गृह मंत्री जी की कोठी तक चल के उनका इस्तीफा मांगना चाह रहे थे, लेकिन हमें पुलिस ने रोका है। यहाँ से फिर भी काफी दूर है कोठी, फिर भी हमें जाने नहीं दे रहे हैं। मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ कि आप आए हमारे साथ। हमारा संघर्ष आज क्या है, आप सब दिल्ली के कार्यकर्ता हैं, कुछ लोगों ने दिल्ली का चुनाव लड़ा, आप सब ने काम किया चुनाव में, ये आपका शहर है। इस शहर को तबाह किया जा रहा है, यहाँ पे दंगा फैलाया जा रहा है। जो आपसी प्रेम है, जिससे सदियों से हम सब इकट्ठे रह रहे हैं, इस शहर में लोग आमदनी ढूंढने आते हैं, काम ढूंढने आते हैं, और जो भी आता है उसका प्रेम से यहाँ स्वागत होता है, वो यहाँ बसता है, अपना घर बनाता है। ये हमारा शहर है। आज इस शहर में आग उगल रही है, नफरत उगल रहा है। हम सब कार्यकर्ता हैं, एक ऐसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिसके जरिए इस देश को आज़ादी मिली, जिसके संघर्ष में सब शामिल हुए। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम शांति की बात फैलाएं, हम अमन रखें, जो पीड़ित है उसको मदद करें। जहाँ जहाँ दुख हुआ है, जहाँ जहाँ पीड़ा है, जहाँ जहाँ हिंसा फैल रही है, वहाँ हम प्रेम फैलाएं, वहाँ हम अपनी शांति और अमन की बात करें, हम भाईचारे की बात करें। तो यहाँ हम इसलिए आए क्योंकि हम गृह मंत्री जी से इस्तीफा मांगना चाह रहे हैं। गृह मंत्री जी की जिम्मेदारी है कि देश की राजधानी में शांति हो, सरकार की जिम्मेदारी है, वे इस जिम्मेदारी को निभाने में असफल हुए हैं। हम चाहते हैं कि सरकार एक्शन ले, हम चाहते हैं कि सरकार पूरी तरह से प्रयास करे कि शांति बनी रहे, जिसका नुकसान हो रहा है उसकी मदद हो, जो अस्पताल में है उसकी मदद हो, जिसके घर जलाए गए हैं उनकी मदद हो, और आपसी प्रेम कायम हो, हमारी यही मांग है। और मैं आप सब से अनुरोध करती हूँ कि यहाँ से जब आप निकलेंगे तो उन घरों में जाइए जहाँ पे दुख हुआ है, जहाँ पे पीड़ा है। देखिए, आपको मालूम होगा कि जब स्वतंत्रता के समय जो दंगे हुए थे, उसके बाद इंदिरा जी ने क्या किया था। घर घर में गई थी, हिंदुओं के घर गई, मुसलमानों के घर गई थी, और उन्होंने प्रयास किया था कि आपस में बातचीत हो, कि आपस में प्रेम दोबारा बने। मुझे याद है, मैंने पढ़ा कि चांदनी चौक गई थी, वहाँ पे उन्होंने सिर्फ मात्र 10 परिवारों को इकट्ठा किया, मात्र 10 परिवारों को, और उनको चाय पे बुलाया एक जगह। वहाँ पे हिंदू परिवार थे, मुसलमान परिवार थे, ईसाई परिवार थे, और उन्होंने उनकी बातचीत कराई। उन्होंने इसी छोटी सी तरह से उन्होंने दोबारा प्रेम को कायम करवाया, और यही कांग्रेस पार्टी ने हमेशा किया है। तो मैं आप सब से दोबारा अनुरोध करती हूँ कि आपका धर्म अहिंसा है, आपका धर्म सेवा है। आज आपकी ज़रूरत है, आपकी बहुत ज़रूरत है कि आप घर घर में जाकर प्रेम की बात करें और शांति की बात करें, और हम सब आपके साथ हैं, हम सब यही प्रयास करेंगे। हमें चाहे सरकार कितना भी रोके, हमें यहाँ से गृह मंत्री जी के घर जाने नहीं दे रहे, ठीक है, हम यहीं पे बैठ जाएंगे, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम देश को जागरूक बनाएं, कि जो हिंसा की राजनीति है वो बंद हो। हमने बार बार ये कहा है, हमारा धर्म अहिंसा है, हमारा धर्म प्रेम है, हमारा धर्म आपसी शांति को फैलाना है। इस बात को ले जाकर आप घर घर में जाइए, और मैं ख़ास तौर से दिल्ली के वासियों से प्रार्थना करती हूँ, उनसे अपील करती हूँ कि हिंसा मत करिए, इससे सिर्फ आपका नुकसान होगा, सिर्फ आपको पीड़ा होगी, आपको दुख होगा। ऐसी राजनीति खराब राजनीति है, इसमें से हम सबको निकलना है, देश को निकलना है। तो आज हम चाहते हैं
कि आप सब जो यहाँ पे उपस्थित हैं और तमाम देश भर में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, गांधी जी की बात, नेहरू जी की बात, जो कांग्रेस की मूल बात है अहिंसा की, उसको आगे बढ़ाएं, उसको फैलाएं, ताकि हर दिल्लीवासी और देशवासी के दिल में नफरत के बजाय प्रेम के बीज बोएं। बहुत बहुत धन्यवाद।